जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है उसमें शायद जेंडर ऑटोनोमी एंड इंक्लूसिविटी के साथ साथ मैं समझती हूं कि इसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस या जो है बलूचिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है वो इसमें ऐड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं समझ सकती हूं कि अगर वो इस टॉपिक में ऐड होता तो शायद ये ऑर्गेनाइजर्स को पूरी कराची में कहीं अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज के लिए जगह नहीं मिलती। मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करना चाहूँगी, चूंकि मैं वैसे तो 14 सालों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अदालतों में सड़कों पर प्रेस क्लबों के सामने आई हूँ, लेकिन चूंकि हम जब भी सड़कों पर आए हैं प्रेस क्लबों में आए हैं, चाहे वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो या चाहे वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ हम बैठे हों, लेकिन जब भी हमारी बात आती है वहाँ के कैमरे बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ और मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जिनको दौरान ड्यूटी उनके सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से सरकारी रिहायशगाह के अंदर से जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया और उनकी जबरी गुमशुदगी के बाद आज तक ये 2009 में हुआ था और आज तक हमें नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है और ये 14 साल किस अजियत में किस तकलीफ़ में गुजरे हैं, ये सिर्फ वो फैमिलीज जान सकते हैं जिनके ऊपर ये तकलीफ गुजर चुकी है। मैं चूंकि बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पे हमारे मोहतरम लश्करी रईसानी साहब ने और हुमायूं कुद साहब ने बहुत अच्छे से बात की, तो मैं समझती हूँ कि मैं चूंकि मुझसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं मैं शायद उन पर ज़्यादा तवज्जो दूँ। और यहाँ पर मेरे साथ एक मोहतरमा बैठी थी, वो कह रही थी कि बलूचिस्तान से आए हुए लोग जो भी स्टेज पर जाते हैं वो ज़्यादातर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि बलोचों के ऊपर हमेशा ये बात रही है कि बलोच नाराज बलोच हैं, बलोच अलहदा होना चाहते हैं या बलोच दहशतगर्द हैं? लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि बलोच नाराज क्यों है? बलोच आज जिस सूबे की साहिल और वसाइल की वजह से पूरे मुल्क की मईशत चल रही है, आज उस सूबे के अवाम की क्या हालत है? और जब हम यही सवाल करने निकलते हैं तो हमारे लोग गायब कर दिए जाते हैं और हमारे लोग सालों साल गायब कर दिए जाते हैं, और फिर जब हम जैसे लोग जब उनकी तलाश के लिए अदालतों में सड़कों में एहतजाजी मुजाहरों में जब हम निकलते हैं तो फिर हमें ही जो है मुल्क दुश्मन कहा जाता है, हमें ही कहा जाता है कि ये लोग रियासत के खिलाफ हैं, और वहाँ पर तनकीद हो, वहाँ पर गालियाँ हो, वहाँ पर जो है कैमरे हों, वो हर चीज़ हमारे लिए बंद की जाती हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात पाकिस्तान के रीइमेजिनेशन की बात हो रही है, और एक बात मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में चूंकि आप समझते हैं बलूचिस्तान भी शामिल है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है वो मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में है। आप लोग शुक्र करें कि आप लोगों के पास महंगाई जैसे मसाइल हैं, आप लोगों के पास गुर्बत जैसे मसाइल हैं, आप लोगों के पास जेंडर जैसे मसाइल हैं, लेकिन हमारे पास हमारे लोगों की ज़िंदगी और उनकी तहफ़ुज़ जैसे मसाइल हैं। हमें एक ऐसी जंग में धकेला गया है जहाँ पर अगर हम सवाल नहीं करते हैं तो हम जी नहीं सकते, हम आज के इस दौर में हम शामिल नहीं हो सकते, और जहाँ पर हम
बराबरी की, हकूक की बात करते हैं, वहाँ पर हम मार दिए जाते हैं या फिर हम उठाए जाते हैं, गायब किए जाते हैं, और फिर जो बचे कुचे हम जैसे लोग हैं, फिर उनको सालों साल एहतजाजी मुजाहरों में, सड़कों में, अदालतों में लगा दिया जाता है कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाए। मतलब हम कभी अपनी तालीम पर आ ही नहीं सकते, हम कभी अपने मुस्तकबिल के हवाले से उस पर सोच नहीं सकते, हम कभी अपने सूबे की तरक्की के हवाले से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ऐसे एक प्रॉब्लम्स के सर्कल्स में डाल दिया गया है जहां पर सिर्फ हम अपने लोगों की ज़िंदगी और उनकी सलामती के लिए फरियादें कर रहे हैं, और हम जो है वहाँ पर उनकी बाजियाबी के हवाले से बात कर रहे हैं। और मैं चूँकि खुद एक मिसाल हूँ आप सबके सामने कि इस मुल्क का अदलिया हो, इस मुल्क के हुक्मरान हो, इस मुल्क का वो हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलती है, जहाँ पर मुझे किसी ने कहा है कि आपको इंसाफ मिल सकती है, वहाँ पर मैं खुद गई हूँ। और मैं अपनी बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मेरा वाकया है, बल्कि बलूचिस्तान में वो हज़ारों मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज की ये एक मिसाल है, और ये हम सब की एक मुश्तरक जद्दोजहद है जिसमें हम जो है सड़कों पर रहे हैं, हम अदालतों में दर बदर की ठोकरें खाए हैं, हमने जजेस से बेइज्जती सही है, हम जो है हरास किए गए हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करते हुए हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आगे आए हैं। लेकिन आज तक जहाँ पर बार बार ये बात की जा रही है कि इस मुल्क में अदलिया जो है उस तरीके से ताकतवर नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम सही नहीं है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ उन लोगों से जो हकूमत में रहे हैं या फिर हकूमत के अंदर हैं या फिर आने वाले वक्तों में हकूमत के अंदर आएंगे, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये सवाल आप किससे करना चाहते हैं या ये बात आप किसको कहना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आप रहे हैं या आप हैं या फिर आने वाले वक्तों में आप रहेंगे। मैं खुद जो है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, उस दौर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिली हूँ, मैं जो है अपोजिशन के दौरान मरियम नवाज साहिबा, जहाँ पर हम इस्लामाबाद में डी चौक में 10 दिन टटरती हुई सर्दी में हम जब बैठे थे तो वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा आई और उन्होंने कहा कि जो है मैं अपनी वालदा की वफ़ात पर इतना ज़्यादा गमज़दा नहीं हुई हूँ, मैं नहीं रोई हूँ, लेकिन मैंने इन माओं को, इन दुखी बहनों को देखा है तो मैं जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मेरे आंसू निकल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब यही लोग जैसे ही इक्तदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इनकी दर्दमंदाना वो एहसास सब ख़त्म हो जाते हैं, उनकी आँखें बलूचिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ है, और जब तक आप वहाँ पर इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जो आज हमें सिक्योरिटी के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ दी जा रही है, जिसमें रोज़ाना हमारे लोग कत्ल कर दिए जा रहे हैं, जिसमें जो है 10 किलोमीटर के फासले पर आपको 50 चौकियाँ मिलती हैं, ये वाली तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जो कि पंजाब के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, दीगर जगहों में जो आम आप जैसे लोगों को मिलती है, हम वो वाली तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सामी, बहुत अहम बातें और आपने बहुत पावरफुली पेश की। आगे बढ़ते हुए मैं शहज़ादी आपके पास फिर से आऊँगी।